अब हम लोग जानेंगे देवघर नौलखा मंदिर के बारे में। सुंदर नौलखा मंदिर देवी राधा और भगवान कृष्ण को समर्पित है और मुख्य शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। इसकी वास्तुकला पश्चिम बंगाल के बेलूर में रामकृष्ण मंदिर की तरह दिखती है। इस मंदिर में देवताओं की सुंदर मूर्तियां हैं जो लगभग 146 फीट ऊंची है। नौलखा मंदिर का निर्माण कोलकाता के एक शाही परिवार पथुरिया घाट की रानी चारुशीला द्वारा 9 लाख रुपए के दान के साथ शुरू हुआ था और इसीलिए मंदिर का नाम नौलखा, नौ और लखा रखा गया। लखा का अर्थ होता है लाख। मंदिर में संत बालानंद ब्रह्मचारी की एक मूर्ति भी है। इन्हीं संत की सलाह पर मंदिर बनाया गया था। किंवदंती है कि पति के आकस्मिक निधन के बाद रानी ने अपना घर त्याग दिया। निराश और अकेली रानी की भेंट उस संत से हुई जिसने उसे मंदिर बनाने के लिए कहा। बड़ा वजह क्या था? 2 लाख रुपया लगा था उस टाइम में बनाने। कब? 1932 में। इसके अंदर क्या खासियत क्या है जो लोग काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं देखने के लिए? ऐसे माता जी मंदिर बनवाए हैं, इनका गुरु महाराज के आदेश से बालानंद ब्रह्मचार्य जी इनको मंदिर बनाने का आदेश दिया था। एक संतान इसको था, गुजर गए, तो बोला अब मेरा दौलत क्या होगा, संपत्ति क्या होगा, तो गुरु महाराज बोला एक मंदिर बना दो, बच्चे का नाम अमर रहेगा, इसलिए मंदिर बना दिया। कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? ये करनीबाद। इस जगह का नाम क्या है? करनीबाद। करनीबाद। माता का नाम क्या है? महारानी चारुशीला घोष। शुक्रिया। नौलखा का दर्शन करके आ रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अन्य लोगों को क्या मैसेज देंगे? अन्य लोगों को यही मैसेज देंगे कि यहाँ पर आए और घूमे, सब दर्शन दे। आपको पता है इसका निर्माण कब हुआ था? 1941। किनकी याद में बनाया गया था ये? रानी सती बाई।